नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आयु संबंधी की आगे की क्लास में आपका स्वागत है और आगे के क्वेश्चनों को हम कवर करते हैं। लगभग हम लोग 135 क्वेश्चन तक कर चुके थे, 136 क्वेश्चनों को शुरू करेंगे। ठीक है भाई, आयु संबंधी के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं। इस बुक में लगभग 240 के समथिंग सवाल है आयु संबंधी के। ठीक है, और इतने आप क्वेश्चन लगा ले हैं तो इससे बाहर जाएगा ही क्या? रेलवे NTPC हो, ग्रुप डी हो, RPF हो, JEE हो, पैरामेडिकल हो, RPF हो, SI हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो PYQ लगाइए, बेहतरीन तरीके से पढ़िए। और मेरे भाई, इसके पहले हम 3 चैप्टर कर चुके हैं, अनुपात समानुपात हो गया, आपका मिश्रण हो गया, घातांक करनी हो गया, इसको हम बहुत अच्छे से खत्म किए हैं। ठीक है, आयु के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। और साथ ही मेरे भाई, कल कुछ वीडियो पे कमेंट कर रहे थे बच्चे की, सर एक से ज्यादा क्लास दीजिए, बिल्कुल देंगे भाई। अभी क्या रहता है कि ऐप पे भी क्लास चलती है, ऐप जैसे कि नीचे आ रही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा, ऐप पे भी क्लास रहती है, रिकॉर्डेड बैच है, इसके साथ ही ऑफलाइन भी क्लास रहती है। तो जो समय हमें मिलता है उस समय में हम आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे कि बस 2-4 दिनों बाद हम 2-2 वीडियो देने की कोशिश करेंगे, साथ ही रीजनिंग को भी शुरू करेंगे। ठीक है, तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पुराने हैं तो क्वेश्चन लगाते हैं। तो भाई, लगभग 135 तक हो चुका था, 136 से सवाल हम करते हैं। यदि कोई नया आया है तो इसके पहले वाली क्लासे जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में सारी क्लास आपको एक साथ मिल जाएगी, वहां से आप 1, 2, 3, 4 जितनी भी क्लास हुई है वो सारी देख सकते हैं। बाकी के क्वेश्चन करिए भाई। सवाल कहता है, एक आदमी अपने बेटे से कहता है, 7 साल पहले मैं आपकी उम्र का 7 गुना था, 3 साल में जितने उम्र के होंगे आपका 3 गुना हो जाऊंगा। मतलब पिताजी इतने सम्मान से बात कर रहे हैं कि देखिए आप, पिताजी कह रहे हैं कि 7 साल पहले मैं आपकी उम्र का 7 गुना था और 3 साल में आप जितने उम्र के होंगे मैं आपका 3 गुना हो जाऊंगा, उनकी उम्र बताइए। सेम सवाल है, हम इसको नाम दिए हैं रेगुलर सवाल, यानी आता ही आता है। देखो भाई, यहां हम लिखते हैं पिता और यहां क्या लिख देते हैं, पुत्र। सवाल में बात हो रही है 7 साल पहले, तो 7 साल पहले की बात लिख देते हैं यहाँ पे, 7 साल पहले की बात है तो -7 लिखते हैं। 7 साल पहले पिता अपने पुत्र से 7 गुना था, पुत्र से हमेशा बड़ा ही होगा पिता। ठीक है, पिताजी जो थे ना वो अपने पुत्र से के गुना थे, तो 7 गुना थे। ठीक है, आगे की कहानी, उसने बोला 3 साल में आप जितने के होंगे उससे मैं 3 गुना हो जाऊंगा। कहने का मतलब है कि 3 साल बाद, 3 साल बाद पिताजी पुत्र की आयु के गुना हो जाएंगे, तो 3 गुना हो जाएंगे, ऐसा सवाल में कहा गया है। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। 7 साल पहले पिताजी अपने बेटे से 7 गुना थे और 3 साल बाद पिता अपने बेटे से 3 गुना हो जाएंगे। चलिए करते हैं सवाल। यहाँ पे सबसे पहले जोड़ दीजिए, 7 और 3 कितना होगा, तो 10 होगा। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना है, 2 का, इसमें कितने का क्रॉस गुणा करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 और ये हो जाएगा 3 एकम 3। अगर इनका डिफरेंस देखें तो कितना आएगा, तो 4 आएगा। यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्ट एक्स का मान निकालना सिखाया है, 2 से इसको काटिए 2 बार और 2 से कटेगा ये 5 बार, तो x का मान कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, लिख के बता देते हैं, 2 के बटे में 4 और गुणा कितना, 10। 2 के बटे में 4 और गुणा किसका, तो 10 का। चलिए भाई, 2 से ये कटेगा 2 बार और 2 से कटेगा ये 5 बार, हमें कितना प्राप्त हो रहा है, तो 5 प्राप्त हो रहा है। 5 का गुणा यहां करते हैं तो 5 और 7 35 और 5 का गुणा यहां करें तो 5 एकम 5। बेटा 5 साल का और पिताजी 35 साल के, लेकिन ये आयु वर्तमान नहीं है। आप जिस रेशो में गुणा करेंगे वही आयु आपको प्राप्त होगी, तो हम 7 साल पहले के रेशो में गुणा किए हैं तो आयु भी 7 साल पहले की ही आएगी। ठीक है, चलिए वर्तमान में लाने के लिए क्या करें, फटाफट बताइए। अगर हमें वर्तमान में लाना है तो बाबू हमें 7 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये आयु कब की है, 7 साल पहले की, और यदि हमें इसको वर्तमान में लाना है तो 7 जोड़ना पड़ेगा। तो अगर आप 35 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, और इसी के साथ अगर आप 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 42 और 12 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। बोलिए सहमत है, सिंपल तरीके से हो जाएगा सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल कह रहा है, अंकिता अनु से 2 वर्ष छोटी है, आज से 4 वर्ष बाद अनु की आयु 3 वर्ष पहले अंकिता की आयु की 2 गुना हो जाएगी।
अंकिता और अन्नू की वर्तमान आयु बताइए। जिसको आता है वीडियो रोक के बनाइए और फिर स्टार्ट करके देखिए कि आपका क्या आंसर है, बेहतरीन प्रैक्टिस होगी आपकी। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं, अंकिता अन्नु से 2 साल छोटी है, तो यहां मैं लिखता हूं अन्नु, है ना, और यहां लिख देता हूं अंकिता, यहां लिख देता हूं अंकिता। अब थोड़ा सा यहां मानना पड़ेगा, अन्नु जो है, अंकिता अन्नु से 2 साल छोटी है, अंकिता अन्नु से 2 साल छोटकी है, तो अगर ये x होगा तो इसको मैं x प्लस 2 लिख सकता हूं क्या? यस या नो? बिल्कुल लिख सकता हूं। जब ये 2 साल बड़ी होगी तभी तो ना ये 2 साल छोटी होगी, तो ये x होगा तो ये x प्लस 2 होगा, ठीक है, यानी 2 अधिक है। आगे की कहानी, आज से 4 साल बाद अन्नू की आयु, तो अन्नू की आयु में कितना जोड़ दें? 4, है ना, देखना यहाँ पे हम इसकी आयु में 4 जोड़ देते हैं। ये इसकी आयु कितनी है वर्तमान की, इसकी आयु में 4 जोड़ देते हैं क्योंकि 4 साल बाद इसकी आयु को ले जाना है। 4 साल बाद अन्नू की आयु 3 साल पहले अंकिता की आयु की 2 गुना हो जाएगी। इसकी आयु को कितने साल पहले ले जाना है? 3 साल पहले। गुड, समझना, बहुत बढ़िया सवाल है। उसने बोला कि 4 साल बाद अन्नु की आयु 3 साल पहले अंकिता की आयु की, अंकिता की आयु की के गुना हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी, इसकी 2 गुना हो जाएगी। किसकी आयु? अन्नु की आयु। तो हम इसको 2 प्रकार से समझाते हैं। अनु की आयु 2 गुना हो जाएगी तो हम अनु को ना करते हुए बराबर का चिन्ह लगा के सामने वाले को कर देते हैं, या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि 4 साल बाद अनु की जो आयु होगी ना वो 3 साल पहले, 3 साल पहले अंकिता की आयु की 2 गुना थी, अंकिता की आयु की 2 गुना थी, तो इसको क्या कर देंगे? 2 गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। एक्स रहेगा यहाँ पे ऐसा के ऐसा, और ये बताइए 4 और 2 कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। बराबर में 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2 एकम हो जाएगा 2x, माइनस 3 दुना कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। दिख रहा है, 3 दुना हो जाएगा 6। चलिए ये 6 ऐसा के ऐसा ही, 6 को इधर बुला लो तो ये प्लस का हो जाएगा, बराबर में 2x, और ये x को उधर भेजो तो काई का हो जाएगा, माइनस का। तो यहां से जो हमें x का मान मिलेगा ना वो कितना मिलेगा? 12 मिलेगा। चलिए x का मान 12 आया तो यहाँ पे हम 12 लिख देते हैं, और x का मान 12 है तो बताइए 12 में 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 14। कितना हो जाएगा? 14। तो अन्नु की आयु हो जाएगी 14 साल और अंकिता की आयु हो जाएगी 12 साल। किसके बारे में पूछा है दोस्तों? अंकिता और अन्नु की आयु बताइए, अंकिता और अन्नु की आयु। तो यहाँ पे आंसर देना चाहिए हमें अंकिता की 12 साल और अन्नु की 14 साल। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, ऐसा कैसा सवाल पता है आपको? इसके जस्ट जो पिछली क्लास हुई है ना उसमें भी आया था, वो मैंने आपको शानदार तरीका बताया था। यहाँ पे फिर समझना, आया हुआ सवाल है ग्रुप डी 2018 में। नित्य और सत्य की वर्तमान आयु का योग 40 है और इनकी आयु का गुणनफल 351 है, उनकी वर्तमान आयु बताइए। पहली तो चीज ये है कि हम ऑप्शंस को जोड़ के देखें कि 40 कौन सा बन रहा है, लेकिन सभी 40 ही बनेगा, है ना, जहां तक है। तो हम डायरेक्ट हमारा काम करते हैं, एक तो नित्य है और एक सत्य है, और जो सत्य है वही जीत में है। ठीक है, ये 40 हो जाएगा। चलिए, नित्य और सत्य की आयु का गुणनफल कितना दिया है? 351। गुड्डू शानदार सा तरीका बता रहा हूं, देखिएगा, आप गुणनखंड के फैक्टर कर लो, ये जो गुणनफल दिया है ना इसी के फैक्टर कर लो, काम हो जाएगा। बोले कैसे? बताते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, आसपास वर्ग देखते हैं, फैक्टर करते हैं। आप इसको देखो, अभी 351 है, मैं तो कहूंगा कि इसमें आप भागा दे दो। ठीक है, अब देखो बहुत सारे संख्या हमारे सामने, 13 यहां भी दिख रहा है, 13 × 2 = 26, 13 से भाग दें क्या? चलिए 3 से देते हैं, 3 से चला जाएगा क्या? 3 × 3 = 3, और ये हो जाएगा 3 × 9 = 27, नहीं, 3 × 7 = 21। ठीक है, फिर 3 से भागा देंगे, 3 × 3 = 9 और 3 × 9 = 27। अब हम 13 से भाग देते हैं, चलो 3 से ही देते हैं, 3 से हो जाएगा 13 बार, और 13 से भागा देंगे तो कितना? 1 हो जाएगा। बोलो सही किए हैं क्या? पता है, मतलब कि यहाँ पे 13 का कुछ ना कुछ फंडा तो है, क्योंकि देखो 13 का 2 गुना हो नहीं सकता, यहाँ पे 2 कहीं से कहीं तक नहीं है, यानी ये आंसर होगा फाइनली। बोले ऐसा कैसे पता चला?
देखो भाई इस बात को समझिएगा, 13 या 39 होता है, 39 कहीं ऑप्शन में नहीं है, मुझे 13 ऑप्शन में दिखा तो एक की आयु 13 वर्ष हो जाएगी, दूसरे की पता करते हैं। तो देखो हम यहाँ पे इसे पता लगाएंगे, यहाँ पे देखिएगा इन सभी को मिलाकर हम दो संख्या ऐसी बनाएंगे जिनको जोड़ने पे 40 आए। जैसे कि देखो मैं जानबूझ के थोड़ा सा गलत काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बोला कि 13 या 39 और मैंने बोला कि 3 या 9, ऐसा मैंने बोल दिया। मैं बोलता हूँ 1 9 साल का और 1 39 साल का, क्या ये सही होगा क्या? नहीं होगा। क्यों गलत होगा भाई ये? ये इसलिए गलत होगा क्योंकि ये दोनों का योग 40 नहीं हो रहा है, समझ रहे हो? यहां से देखा मैंने, तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा हम यहाँ पे देखते हैं कि ये 13 है ना, इसको 13 ही रहने दो, ये सबका गुणा कर दो, 3 या 9 या 27। तो मैं बोलता हूं कि एक संख्या 27 और एक संख्या कितनी है 13, तो क्या यही आयु आंसर होगी क्या? बिल्कुल, क्योंकि अगर आप 27 और 13 को जोड़ो तो कितना बनेगा? 40 बनेगा, और ये दोनों का गुणा 351 होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, हमने चेक कर लिया कि ये दोनों का योग 40 है, तो कहने का मतलब एक 27 साल का है और एक 13 साल का है, तो नित्य और सत्य की आयु का योग क्या होगा? 27 और 13। क्लियर है दोस्तों? बाकी ऑप्शंस की मदद भी ले सकते हैं, सवाल एक तरीके अनेक। इस क्वेश्चन को देखिए, 139 धुआंधार बेड़ा पार, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना है, 20 वर्ष में उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुना हो जाएगी, उनकी आयु ज्ञात कीजिए। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो पिता की आयु है हमें वर्तमान की दे रखी, पिता की आयु जो है ना वो पुत्र की आयु की के गुना है, तो 4 गुना है, के गुना है 4 गुना है, और बोला है 20 वर्ष में, यानी 20 वर्ष बाद की बात हो रही है, 20 वर्ष में उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुना होगी। तो अगर ये 1 होगा तो पिताजी को के गुना कर दें? 2 गुना। ये हो गया रेगुलर सवाल। चलिए मेरे भाई यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 1 का, क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 2 एकम हो जाएगा 2। यहाँ पे इनका डिफरेंस देखते हैं तो कितना आ रहा है? 2 का आ रहा है, और यहाँ पे हम टोटल सम करते हैं तो 20 ही बच रहा है। अब इसको डायरेक्ट देखो, 1 से 2 बार 2 कैंसिल, 2 से कटेगा 10 बार, 10 चौके 40, 10 एकम 10, 40 और 10 आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। देखा आपने, तो ये आसानी से कब कर सकते हैं? जब आप सारी क्लास आयु संबंधी की देख लोगे तो आप भी ऐसे ही करने लग जाओगे, ठीक है। चलिए मेरे भाई, 1 के बटे में 2 गुणा कितना 20, तो ये हो जाएगा 1 के बटे में 2 और गुणा कितना कर दें तो 20 हो जाएगा। 2 से कटेगा ये कितनी बार? 10 बार। चलिए 10 का गुणा यहां करें तो 10 चौक 40 और 10 का गुणा यहां करें तो 10 एकम 10, ऑप्शन नंबर C हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, 140 नंबर, 2 भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है और उनकी आयु में जो अंतर है वो 12 साल का है, आयु बताइए। देखो सिंपल सवाल है यार, इसमें जो 2 भाइयों की आयु है वो 5:8 के अनुपात में है और आपको जो अंतर दिया है वो 12 दिया है, आप बताइए अंतर को किससे काटेंगे? अंतर से। अंतर को अंतर से काटते हैं तो ये दोनों का अंतर कितना है? 3 है, हम 3 से इसको भागा देते हैं तो 3 से ये कितनी बार कटेगा? 4 बार कटेगा। 4 का गुणा यहाँ कर देते हैं, 4 और 5 20, 4 का गुणा यहाँ कर देते हैं, 8 चौके 32, तो भैया 1 की आयु 20 साल और 1 की आयु 32 साल, ये हमारा आंसर होगा। हे ऑप्शन में कितनी है? पहले ऑप्शन में है 20 और 32। क्लियर? नेक्स्ट, ये भी वैसा ही है कि अलग है? देखो सवाल कह रहा है कि सुनीता और शीला की आयु में अंतर 12 साल का है, यदि 9 साल पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुना थी तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? कोई जरूरत नहीं है इस सवाल में बेसिक करने की, एक काम करिए आप ये बताओ कि अंतर कितना दिया है? 12 दिया है। देखो अंतर 5 साल पहले का हो या 10 साल बाद का, अंतर हमेशा बराबर होता है आयु में, तो यहाँ पे हम रेशो बनाए ना तो 9 साल पहले का रेशो दिया है, हम बोल देते हैं ए बड़ी बहन है, बी छोटी बहन है, ऐसा हम बोल देते हैं,
ठीक है, तो यहाँ पे बोला है 9 साल पहले, 9 साल पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुना थी, तो ये 1 होगी तो ये कितनी होगी 4, ये दोनों का रेशो कर दिया मैंने, पर ये रेशो कब का है 9 साल पहले का, कोई बात नहीं। अभी आप बताइए इसमें अंतर कितने का है, तो 3 का अंतर है, 3 से हम भागा देते हैं, 3 से हम भागा दें तो ये बताइए 3 से कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा, चलिए ये हो जाएगा 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 4 चौक 16। बोलिए सहमत है? आप बोलोगे सर ये ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो ये आंसर भी नहीं है। ये आप 9 साल पहले के रेशो में गुणा किए हैं तो 9 साल पहले की आयु आएगी, यानी 9 साल पहले बड़ी बहन 16 की थी और 9 साल पहले छोटी बहन 4 साल की थी। सो सिंपल, अगर हम 16 में 9 जोड़ें तो कितना हो जाएगा 25, यानी बड़ी बहन वर्तमान में 25 साल की है, और अगर हम 4 में 9 जोड़ें तो कितना हो जाएगा ये 13, यानी छोटी बहन 13 साल की बड़ी बहन 25 साल की, ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मित्र, समझ गए? देखिए क्वेश्चन हम अधूरा चैप्टर नहीं छोड़ेंगे, आप अनुपात समानुपात जाके देखिए, जितने बुक में सवाल है इतने के इतने आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, मिश्रण में भी हमने पूरे पूरे चैप्टर करे हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, समझ रहे हैं? घातांक करनी में भी हम पूरे चैप्टर को किए थे। इसी प्रकार ऐसा नहीं कि आयु में हम 100 क्वेश्चन करा के छोड़ दे, जितने क्वेश्चन बुक में हम पूरे कराने की कोशिश करेंगे वो पूरे कराएंगे भी सही, ठीक है? बाकी आप लोग इसका रिविजन करिए, सारे क्वेश्चन अपन बिल्कुल अच्छे से करेंगे और बेहतरीन तरीके से खत्म करेंगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, बनाइए आप लोग। विनय और विजय की आयु में अंतर 20 का है, यदि 5 साल पहले बड़े की आयु छोटे की आयु की 5 गुना थी तो उनकी वर्तमान आयु बताइए। लो जी, अब इस सवाल को तो मैं पक्का छोड़ूंगा, किसके लिए? आपके लिए, ठीक है? ये रफ वर्क में डाल देते हैं, आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इसके साथ पढ़ेंगे ना तो सेम टू सेम लगेगा। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आया था 16 में, और ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं एनटीपीसी में पूछा जा चुका है, ये आप करिएगा आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है भाई, 14 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना थी, और यहाँ पे बोला है वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुना है, वो दोनों की आयु की वर्तमान आयु का योग बताइए। ठीक है भैया जी, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं वर्तमान का ही लिखूंगा तो फायदे में है, वर्तमान को टारगेट करिएगा पिता और पुत्र, तो पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुना है, तो यदि ये 1 होगा तो ये कितना होगा 2, ये कब की बात हो रही है तो सर वर्तमान की, सहमत हैं? कब की बात हो रही है तो वर्तमान की। आगे बढ़ते हैं, 14 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना थी, कब? 14 साल पहले पिता जो था ना वो अपने बेटे का 3 गुना था, हो गया ना वही सवाल सिंपल वाला। चलिए इधर टोटल करें तो 14 मिलेगा, यहाँ पे डिफरेंस है 2 का, क्रॉस गुणा करते हैं 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 3 एकम 3, यहाँ कितने का अंतर है तो 1 का, 14 दुनी 28, 28 दुनी 56 और 28 एकम 28, ये दोनों की आयु आ जाएगी, या फिर यहाँ पे समझो 2 के बटे में 1 गुणा 14, 2 के बटे में 1 गुणा हम कितना कर देते हैं 14, तो यहाँ मेरे भाई देखो 1 से कटने से कोई मतलब नहीं है, 14 दुना कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। देखो 28 एकम 28 और 28 दुना 56 दोनों की अलग अलग आयु पूछी होती तो हम बता देते, अब हमसे आयु का योग पूछा है तो हमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, 28 लिखिए, हमसे आयु का योग पूछा है वो भी वर्तमान का, तो ये दोनों को डायरेक्ट जोड़ दो, ये बताइए 2 और 1 कितना होगा 3, 3 का गुणा कर देते हैं, 8 या 24 की 4 हासिल, 2 3 दुना 6 और 2 8, 84 आपका आंसर हो जाएगा। अरे 2 और 1 कितना होता है 3 होता है ना, योग पूछा है तो योग का गुणा करेंगे, अंतर पूछता तो अंतर का गुणा करते, 84। आगे बढ़े नेक्स्ट 144 ग्रुप डी 2022, ए की वर्तमान आयु के 2 गुने और बी की वर्तमान आयु के 3 गुने का योग 106 है,
बी की आयु का 4 गुना ए की आयु के 3 गुने से 11 साल अधिक है, तो बोला है कि 4 साल बाद ए और बी की आयु का योग क्या होगा। भयंकर। चलिए भाई देखो, इस सवाल को थोड़ा बेसिक हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखो अलग अलग पर्टिकुलर पूछा होता तो ऑप्शंस की मदद ले लेते, लेकिन योग में कहां से ऑप्शन की काम लेंगे हम लोग, ठीक है, और कर भी सकते हैं लेकिन उलझ ज्यादा जाएंगे। देखो हम बेसिक में इक्वेशन बनाते हैं, देखिएगा भाई, इसने बोला है कि ए की आयु का 2 गुना और बी की आयु का 3 गुना। देखिएगा, ए की आयु का 2 गुना प्लस बी की आयु का 3 गुना, ये दोनों का जो योग दिया है ना वो दिया है 106, तो मैं यहाँ लिख देता हूं 106। ओके, आगे की कहानी सुनिएगा, 11 साल अधिक है 11 साल कम है, तो क्या होता है, ये अंतर होता है, ये मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ पुराने क्लास में। तो ये 11 साल अंतर है, लेकिन काय का अंतर है, इसने बोला बी की आयु का 4 गुना, यहां लिखते हैं बी की आयु का 4 गुना और ए की आयु का 3 गुने से अंतर, ठीक है, ए की आयु के 3 गुने से जो अंतर है वो कितना है, 11 है, यानी ऐसा बोल सकते हैं कि बी की आयु का 4 गुना और ए की आयु का 3 गुना का जो अंतर है वो 11 है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि बी की आयु का जो 4 गुना है वो ए की आयु के 3 गुने से 11 साल अधिक है, ठीक है। अच्छा एक काम कीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें मैं थोड़ा करेक्शन कर रहा हूं, क्या करेक्शन कर रहा हूं, 3a को मैं इधर बुला लेता हूं, बराबर में नहीं बुला रहा हूं, बस 3a को आगे लिख देता हूं, तो ये माइनस 3a ऐसा कैसा, 4b काय का है, प्लस का तो प्लस का ही रहेगा, और ये बराबर में क्या चल रहा है, तो 11 चल रहा है। बोलिए कोई परेशानी है क्या यहाँ तक, नहीं है ना। अब देखो मजा आएंगे भाई, मैं अच्छे से व्यवस्थित लिख के बता रहा हूं ताकि आप समझे। अगर इक्वेशन फर्स्ट की बात करूं तो ये हो रहा है 2a प्लस 3b बराबर कितना, 106, सही है क्या। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा माइनस के 3a प्लस के क्या लिखा है, 4b बराबर 11, 4b बराबर 11, है ना। अब यहाँ पे समझिएगा, ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे, बिल्कुल सब क्वेश्चन करेंगे। आ जाओ भैया, देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे a का मान आ जाएगा तो किसी में भी मान रख के b का निकाल लेंगे, और b का मान आ जाएगा तो किसी भी समीकरण में मान रख के हम लोग इसका b का मान निकाल लेंगे। तो इसको समीकरण एक दे देते हैं, इसको नाम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, 11 नहीं है वो, है ना, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1, है ना। तो अगर हम नहीं भी नाम दें तो एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ हम लिखवे देते हैं समीकरण नंबर 1 यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यहाँ लिखवेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब वहां पे आप ध्यान से देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, ए को कैंसल ना करते हुए हम बी का मदद लेते हैं, बी के आगे कितना है 4, तो इस पूरे में 4 का गुणा कर दो, और यहाँ बी के आगे कितना है 3, तो इस पूरे में 3 का गुणा कर दो। इससे फायदा क्या मिलेगा, बी कैंसल हो जाएगा और ए का मान आ जाएगा, किसका मान आ जाएगा, ए का, क्योंकि ये माइनस का है तो इसको पहले फ्री कर देते हैं ताकि सुधर जाए, ठीक है। क्या किया मैंने, 4 का गुणा इस पूरे में, 3 का गुणा इस पूरे में, तो चलिए भाई 4 दुनी हो जाएगा 8 प्लस ये हो जाएगा 4 तीय 12, है ना, 12 भी बराबर यहाँ कितना हो रहा है 4 एकम 4, और ये हो जाएगा 6 चौक 24, 424 मिलेगा। अगर इधर देखे तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, है ना, और यहाँ देखे तो 3 चौके 12 हो जाएगा, 12 भी, और बराबर में क्या चल रहा है, तो 11 तिया 33 चल रहा है, सहमत है दोस्तों। अब क्या करेंगे, चिन्ह परिवर्तन करने पर, चिन्ह परिवर्तन करते हैं तो देखो भाई, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ माइनस दिख रहा है, ऊपर वाले समीकरण को नहीं देखना, नीचे वाले को देखो, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अब देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल। ऊपर वाले को देखिए, ये भी प्लस का और ये भी अब प्लस का हो गया है, माइनस भूल जाइए, तो 8 और 8 16 और 1 17, यानी कितना हो जाएगा, 17a। चलिए यहाँ पे क्या होगा, घटाना पड़ेगा, तो 4 में से 3 गए तो 1, और यहाँ पे देखें तो 12 में से 3 गए तो 9 बचेगा, और यहाँ कितना बच रहा है, तो 3 बचेगा। अगर हम इसको 17 से काटे तो कटेगा क्या, तो ये हो जाएगा 17 दुनी 34 और 17 तिया 51, यानी दोस्तों ए का मान जो आ रहा है ना वो आ रहा है 23। ए कितने साल का है, तो 23 साल का, बोलिए कोई दिक्कत है, ए कितने साल का है, तो 23 साल का है। चलिए बी का मान निकालते हैं, इसमें मान रख देते हैं, तो देखो डायरेक्ट रखेंगे,
ए का मान कितना है 23, अगर 23 का मान मैं यहाँ रखू तो 23 दुना कितना होगा 46, 23 दुना होगा 46 प्लस 3b बराबर कितना 106। अगर आप b का मान निकालना चाहें तो 106 में से हमें कितना घटाना पड़ेगा 46 घटाना पड़ेगा। और अगर हम यहाँ पे मान निकाल के देखें तो दोस्तों यहाँ पे कितना दिख रहा है हमको ये बताइए, यहाँ 0 बचेगा और यहाँ 6 बचेगा, 60 बच रहा है, 60 बच रहा है। यदि हम इसको भागा दे 3 से तो 3 से कितनी बार कटेगा 20 बार, यानी बी की आयु कितनी आ गई 20 साल और ए की आयु आ गई 23 साल। ये ऑप्शन में होता तो सवाल में मजे आ जाते, काम आसान हो जाता। चलिए अब यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ते हैं, उसने क्या बोला और मजे ले लिए ग्रुप डी में, 4 साल बाद दोनों की आयु का योग बताइए। तो ये 4 साल बाद कितने का होगा, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 27 प्लस, ये 4 साल बाद कितने का होगा तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो 24, अगर ये दोनों का आप जोड़ो तो 51 यानी 51 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्र, नेक्स्ट ग्रुप डी 22 लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अब पेपर होगा। ठीक है, ए की आयु बी की आयु से 2 गुना है और बी की आयु सी की आयु की 1/3 के बराबर है, तीनों की आयु का योगफल 42 है तो ए और बी की आयु का योगफल बताइए। देखो भाई इसमें मैं बताऊंगा, रेशो बना लो, ए की तुलना बी से हो रही है और बी की तुलना किससे हो रही है सी से, आई बात समझ में। ए की आयु बी की आयु से 2 गुना है तो ये 1 होगा तो इसकी आयु के गुना होगी 2 गुना। इसने बोला बी की आयु सी की आयु की 1/3 है ना, 1/3 के बराबर है, यानी बी की आयु सी की आयु की 1/3 है, 1/3 है। एक बात सुनना, बी की आयु सी की आयु की 1/3 के बराबर है, 1/3 के बराबर है तो 3 उधर खसक जाएगा तो 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, आ रही बात समझ में। अगर यहाँ से मैं ए बी सी का मान निकालूं तो पता ही डायरेक्ट माना जाएगा, ए का मान 2 रहेगा, बी का मान 1 रहेगा और सी का मान कितना रहेगा 3 रहेगा। ये लो सीधी बात, नो बकवास, डायरेक्ट आंसर आ गया, मतलब डायरेक्ट अनुपात आ गया। आपको पता है बी का मान यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है तो डायरेक्ट इसका मान हम 1 लिख सकते हैं, लेकिन कल के दिन ऐसा होता कि बी का मान यहाँ 1 आ रहा होता और यहाँ पे 6 या 2 या 3 कुछ आ रहा होता तो फिर हम अनुपात समानुपात वाला तरीका लगाते और रेशियो निकालते हैं। ठीक है, अनुपात की वीडियो देखिएगा, उसमें ऐसे हजारों सवाल कर रहे थे हमने, हजारों तो नहीं लेकिन सैकड़ों सवाल कर रहे थे। चलिए यहाँ पे बात करते हैं ए और बी सी की आयु का योगफल 42 है तो इन तीनों की आयु का योगफल कितना है 42, 42 लिखो, योगफल को योगफल से भागा देंगे तो 3, 2, 5 और 1 कितना होगा 6, 6 से भागा देते हैं और जो पूछे उसका गुणा कर दो, ए की आयु पूछे तो 2 का गुणा, बी की पूछे तो 1 का गुणा, सी की पूछे तो 3 का गुणा, हमसे क्या पूछा है ए और बी की आयु का योगफल बताइए तो ये दोनों का योगफल कितना हो रहा है 3 तो यहाँ 3 का गुणा कर देते हैं। चलिए काटिए मेरे भाई, तो 6, 7, 42 और ये हो जाएगा 7, 3, 21, 21 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रश्न, अदिति और आदित्य की और आगा आजा क्या नाम है ये आजा आज्ञा की वर्तमान आयु का योग 120 है तो 3 साल पहले उनकी आयु का योग कितना था। अच्छा योगफल दे रखा है 120 है ना, अच्छा बहुत बढ़िया सवाल है। अच्छा एक बात देखना, यहाँ पे इनकी वर्तमान आयु का योग कितना है 120, सहमत है 120 है, 3 साल पहले इनकी आयु का योग कितना था। अगर मैं बोलूं 3 घटा दो तो क्या सही हो जाएगा, नहीं। क्या ऐसा सवाल एनटीपीसी में थोड़ी आएगा, कहने का मतलब डायरेक्ट 3 घटा दो, थोड़ा घुमाना है ना बात को समझना, 3 साल पहले आयु का योग क्या होगा। तो 3 साल पहले जाना है तो घटाना पड़ेगा, तो 3 इसको कम करेंगे, 3 इसको कम करेंगे, 3 इसको कम करेंगे तो कितना कम होगा 9, और यदि 9 कम होगा ना तो यहाँ बचेगा 111 और हमारा आंसर होगा 111 ऑप्शन नंबर पहला, क्या बोलते हो सही है। नेक्स्ट नंबर,
एक माँ और बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:3 है। 12 वर्ष के बाद यह अनुपात 2:1 हो जाएगा। माँ बेटी की वर्तमान आयु का योग बताइए। ये क्वेश्चन भी आप ही को बताना है, क्योंकि ये सवाल कुछ नया नहीं है, आरपीएफ एसआई में आया है, रेगुलर नंबर 2 सवाल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं आरडब्ल्यू में, इसको भी करिएगा, आंसर कमेंट में दीजिएगा। ऐसे सवाल बहुत कराए गुड्डू, आप पीछे देखोगे ना क्लास जाके, तो बहुत सारे सवाल हुए हैं और अब आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए थी सवाल पे। हम चलते हैं आगे 148। लीजिए सर, इसको अपन करते हैं। पिता पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है, इनकी आयु का गुणनफल 147 है, तो आयु का योगफल बताइए। यहां हम लिखते हैं पिता और यहां लिखते हैं पुत्र, ठीक है। इनकी आयु हो जाएगी 3x और इसकी हो जाएगी 1x। 1x को हम x लिख देते हैं। अच्छा पता है x क्यों लिखा, मैंने अभी बताता हूं। यहां पे 3x इंटू एक्स दोनों का गुणनफल दिया है 147। कुछ बच्चे की आदत होती है इसको 3 से काट तो देते हैं, लेकिन उनको भूल जाते हैं कि हमें वर्गमूल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि x से x का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर का कंडीशन बनती है, वो आपको ध्यान रखना है। चलिए 3 × 12 दो बचेगा, 3×9 = 27। एक्स 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 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49। तो दोस्तों एक्स का मान कितना आएगा, 7। थाला फॉर अ रीजन, आई बात समझ में। एक्स का मान 7 आ जाएगा, समझ गए कैसे, 49 किसका वर्गमूल होता है, तो मतलब 49 किसका वर्ग होता है, 7 का। 49 का वर्गमूल करें तो 7 मिलेगा। हमसे पूछा है आयु का योगफल बताइए, डायरेक्ट तरीका देखो 7 लिखो, और योगफल पूछा है तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। 4 × 7 तो होगा 28। 28 हमारा आंसर हो जाएगा। काम खत्म, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, और अगर अलग अलग गुणा करें तो 7 × 7 और 7 × 3 = 21, 2 की आयु हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माँ और बेटी की आयु 12:5 के रेशो में है और 10 साल बाद माँ की आयु बेटी की आयु से 2 गुना होगी, वर्तमान में उनकी आयु का योग बताइए। चलिए मैं करा देता हूं इसको, यहां लिख देते हैं माँ और यहां लिख देते हैं बेटी। इनकी आयु का अनुपात कितना है, तो 12:5 है, सही है क्या, 12:5 है। और 10 साल बाद क्या बोला है, 10 साल बाद माता की आयु जो है वो बेटी की आयु से 2 गुना होगी, तो ये 1 होगी तो ये कितना होगी, 2 गुना होगी। चलिए करते हैं, ये 10 ऐसा कैसा रहने वाला है, कितने का अंतर है मेरे भाई, 1 का अंतर है, 12 एकम हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 5 दुना कितना, 10। इसमें कितने का अंतर है मेरे भाई, 2 का अंतर है, उड़ा दो डायरेक्ट। आपको पता है 2 से कटेगा ये 5 बार, 5×5 = 25 और 12×5 = 60, 2 की आयु आ जाएगी, है ना। या फिर एक और काम करते हैं, 1/2 गुना कितना, 10, है ना, यहाँ काटेंगे हम लोग तो 2 से कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। अच्छा देखो, अलग अलग गुणा ना करते हुए ये बताइए, हमसे बोला है उनकी आयु का योगफल बताइए, तो ये दोनों को डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 12 और 5 कितना होगा, 17। अगर हम यहाँ 17 का गुणा करें तो 17×85 85 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आरआरबी जेई में आया हुआ सवाल है, ऑप्शन नंबर डी धन धनाधन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए 150 रुपया देगा। इस सवाल तक हम 150 क्वेश्चनों को कवर कर चुके हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, ए की आयु बी से 2 गुना है, उनकी वर्तमान आयु का योग 60 है, 5 साल बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। इस सवाल को तो करने की भी आवश्यकता नहीं है, एक चीज अगर आप दिमाग लगाएं थोड़ा सा, तो ये क्या कह रहा है पता है, कि इनकी वर्तमान आयु का योग 60 है। ये बताओ वर्तमान आयु का योग कितना है, 60 है,
और देखो ए की आयु दो गुना है या बी की आयु दो गुना है। अगर इसने बोला है कितने पर्सन है सवाल में, दो पर्सन है, आज दोनों 60 साल के हैं, तो 5 साल बाद उनकी आयु का योग क्या होगा, योग देके योग पूछ रहा है। एक बात बताइए, 5 साल बाद ये 5 बढ़ेगा तो ये भी 5 बढ़ेगा, और टोटल कितना बढ़ेगा, 10 बढ़ेगा, और 10 बढ़ेगा तो हम टोटल कितना लिख सकते हैं, 70। ये लीजिए डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मेरी बात से सहमत है? बोले सर बेसिक से हो जाएगा ना, रेशियो निकाल के करेंगे हो जाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा था कि वर्तमान योग 60 है तो 5 साल बाद जाना है तो कितना जोड़ेंगे, 10, क्योंकि 5 ये बढ़ेगा, 5 ये बढ़ेगा, 5 और 5 10 बढ़ेगा, 70 हमारा आंसर हो जाएगा। सहमत हैं? ठीक है, तो बाकी जैसा कि मैंने आपको शुरू में बता ही दिया था, आगे भी जो भी सवाल है हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। बाकी आप रिवीजन करिए, किसी क्वेश्चन में परेशानी आती है तो वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।